कांग्रेस का डोनेशन फॉर देश अभियान लगातार जारी है। डोनेशन का अमाउंट भी बढ़ता जा रहा है। ताजा अपडेट चौंकाने वाले हैं, वो इसलिए क्योंकि दान देने वाले राज्यों में हरियाणा ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है और दक्षिण भारत का एक राज्य नंबर वन पर पहुंच गया है। कांग्रेस नेता और पार्टी के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें तेलंगाना नंबर वन पर है, लेकिन हरियाणा ने जो छलांग लगाई है उससे सब हैरान हैं। अजय माकन ने डोनेशन की सबसे ताजा लिस्ट जारी करते हुए लिखा है कि हरियाणा की जाबाज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जोश को सलाम। महाराष्ट्र को पीछे कर दूसरे पायदान पर कुल 1,21,00,000 की दान राशि अकेले हरियाणा से हम अब 10,15,00,000 की दान राशि पार कर चुके हैं। इस तरह कुल मिलाकर कांग्रेस को अब तक 10,15,00,000 का चंदा मिल चुका है। राज्यवर लिस्ट देखें तो तेलंगाना करीब 1,72,00,000 के डोनेशन के साथ नंबर एक पर है, जबकि हरियाणा 1,20,00,000 से ज्यादा डोनेशन के साथ नंबर दो पर पहुंच गया है। वहीं महाराष्ट्र से 1,19,00,000 के करीब दान राशि आई है। इसके अलावा टॉप पांच में चौथे नंबर पर राजस्थान और पांचवे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चंदा जुटाने के लिए कांग्रेस ये डोनेट फॉर देश अभियान चला रही है। बीते साल 18 दिसंबर को पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर इस अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान के तहत लोग कांग्रेस को ऑनलाइन चंदा दे रहे हैं। कांग्रेस के इस क्राउड फंडिंग अभियान में 18 साल से ज्यादा उम्र या कोई भी व्यक्ति पैसा डोनेट कर सकता है। इस अभियान के जरिए 138 रूपए, 1380 रूपए, 13,800 रूपए या फिर इससे 10 गुने की राशि चंदे के रूप में दे सकते हैं। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।